जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और इस देश की पहला दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में और आदरणीय वाजपेयी जी की सरकार में, आदरणीय मोदी जी की सरकार में उनका जो योगदान रहा जा करके है और इनके निधन से हम सब काफ़ी दुखी हैं और उनके निधन से पूरा देश शोकाकुल है जा करके और इनके निधन पर हम गहरी शोक संवेदना प्रकट करते हैं। और इनका अलग व्यक्तित्व था जाकर एक और जहां भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में संगठन को मजबूती प्रदान करने में इनका अहम योगदान था तो दूसरी तरफ सरकार में जब रही जाकर के वो यहां से लेकर देश के अलावे भी विदेश मंत्री रहे, ऐसे कई मसले आए जाकर के और भारत के लोग दूसरे देशों में रहते हैं जाकर काफ़ी संख्या में कई समस्याओं के सामने आई त्वरित समाधान इन्होंने करने का काम किया था। और मुझे याद है कि आदरणीय वाजपेयी जी की सरकार में जब स्वास्थ्य मंत्री थे भारत सरकार में पहला जो एम्स पटना का जो आया है हमको याद आ रहा है एम्स समय भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय में थी जाकर के और उस समय ही एम्स का अनाउंसमेंट अपने स्वर्गीय वाजपेयी जी ने किया था जाकर के जो बनकर तैयार हो गया है और उनका देश हित लोक कल्याण के क्षेत्र में उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं जाकर के इसे देश हमेशा याद रखेगा। अचानक उनके निधन की खबर मिलने से हम सब काफ़ी दुखी हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश को भी अपनी क्षति हुई जाकर के है और बिहार से उनका काफ़ी लगाव था जाकर के और चुनाव का वक्त हो या मान लें संगठन का काम हो या सरकारी काम से हमेशा बिहार में आना जाना रहता था करके और वजस्वी वक्ता भी थी जाकर जब भाषण देती थी तो लगता था उनका जीव पर लगता था माँ सरस्वती विराजमान जाकर और भाषण का फ्लो होता था रुकता ही नहीं था जाकर और जो श्रोता होते थे वो मतलब समझिए कि बन जाते थे उनसे जाकर। और मेरे क्षेत्र में भी अनेकों बार चुनाव के मौके पर गई जाकर बिहार से लगातार उनका बेहतर संबंध रहा जाकर के और जो एम्स बिहार में खुला है मुझे याद आ रहा है कि उनके ही कार्यकाल में मतलब स्वर्गीय वाजपेयी जी कार्यकाल में वो जो घोषणा हुआ था उस समय केंद्र में मंत्री थी जाकर के हम सब काफ़ी दुखी हैं और उनका जो योगदान रहा है देश के विकास में वो हमेशा याद किया जाता है। ठीक।